हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करते हैं हमें लगभग 1000 के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन बात करें जब इस स्टॉक की प्राइस हमें अक्टूबर सितंबर की बात करें लास्ट ईयर का था, उस समय हमें लगभग 220 रुपये के ऊपर ट्रेड करा था। उस समय से लगातार हमने वीडियो बनाकर बोला था कि स्टॉक हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें 400+ में हमें दिखने वाला है। और स्टॉक हमें 400 क्रॉस करके जब स्टॉक 550 के ऊपर ट्रेड कर था, उस समय भी हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बोला था कि स्टॉक हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका प्राइस लगभग 700+ में हमें देखने को मिलेगा। और स्टॉक 700 के क्रॉस करके जब ट्रेड कर रहा था, उस समय भी हम आप लोगों को लगातार वीडियो बनाकर बोला था कि स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रखिए, स्टॉक हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1000+ में भी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। और हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों स्टॉक 1000+ में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, जो कि स्टॉक काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो लगभग इसमें हमें 10% का हमें जंप देखने को मिला था, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करें आप देख सकते हो स्टॉक हमें 1061 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और इसका बात करें पिछले वन मंथ का, तो आप देख सकते हो कि पिछले वन मंथ में हमें लगभग 60% से एबव का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी शानदार है। जैकपॉट की तरह स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है दोस्तों। वहीं बात करें सबसे अधिक दिनों का चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ से आपको लगभग जैन का ही दिखाएगा सबसे, क्योंकि हमें जैन में इस स्टॉक का नाम हमें चेंज होते हुए देखने को मिला था और वहां से स्टॉक हमें मैक्सिमम डे के चार्ट पैटर्न दिखा रहा है। लेकिन बात करें एनएससी की साइड पे, तो आप देख सकते हो कि एनएससी की साइड पे यहां पे इसका 52 वीक लो हमें 84 रुपये देखने को मिला है, जो कि लास्ट ईयर हमें जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी वहाँ का हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन का इसने 1087 रुपये का हाई बनाया है, जो कि इसका 52 वीक हाई है। स्टॉक हमें सितंबर अक्टूबर में लगभग हमें 220 रुपये के ऊपर ट्रेड करा था। उस समय से लगातार वीडियो बना के आप लोगों को बोल रहा हूँ कि स्टॉक काफ़ी शानदार है और हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा देगा। और दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि हमें जो प्राइस हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, इस प्राइस से भी हमें काफ़ी आगे जाते हुए इस स्टॉक का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। और स्टॉक के प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1300+ में भी हमें जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिए। स्टॉक काफ़ी शानदार है दोस्तों, आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। वहीं बात करें यहाँ पे एनएससी के साइड पे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो आप देख सकते हो कि ओनली हमें लगभग 24% से अबव का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। बात करें इसका फेस वैल्यू का, तब हमें यहाँ पे 1 रुपया देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट का, तो आप लोग देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया था कंपनी ने। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जबरदस्त तरीके से नेट प्रॉफिट शो किया है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे कि इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 75% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई प्रमोटर का शेयर दोस्तों प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ये अडानी ग्रुप का सबसे हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें दिखता है, क्योंकि इस स्टॉक में एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी है नहीं दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइड पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो हमें लगभग 1,16,651 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बात करें फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे भी हमें 1 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे 40.45 हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का सेल्स का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से सेल्स दिखाया है, जो कि हमें लगभग यहाँ पे 496 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट का, तो हमें नेट प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला है, लगभग 145 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे रिजर्वेशन सरप्लस का, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिजर्वेशन सरप्लस भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ईयर बाई ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे डेप्ट का, तो कंपनी के पास
अदर लायबिलिटी लगभग 414 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे करेंट लायबिलिटी लगभग हमें 600 के अप्रोक्सिमेट में देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो आप देख सकते हो ईयर बाई ईयर काफी शानदार तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहा है दोस्तों फिक्स एसेट। तो स्टॉक काफी शानदार लग रहा है और यहां से भी आगे जाने के लिए स्टॉक की प्राइस रेडी है दोस्तों, आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। वहीं बात करेंगे यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे भी हमें लगभग 75% का अप्रोक्सिमेट डेटा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे एफ आई की होल्डिंग की, लगभग हमें 20% से अबव का हमें होल्डिंग देखने को मिला है, जो कि काफी शानदार है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे डी आई की होल्डिंग की, लगभग 1% के अराउंड हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, लगभग हमें 4% से एवं का हमें होल्डिंग देखने को मिला है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी हमें काफी ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। वहीं बात करें स्टॉक की प्राइस का, तो मुझे लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की प्राइस हमें बहुत ही शानदार तरीके से मुनाफा दे सकता है और स्टॉक की प्राइस हमें लगभग 1300+ में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। वहीं बात करें यहाँ पे कि अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक के प्राइस में थोड़ा सा हमें अगर करेक्शन देखने को मिलता है, तो स्टॉक हमें 860 रुपये की तरफ हमें आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 100 रुपये का जंप दिखाया दोस्तों, मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो स्टॉक 860 की तरफ आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1300+ में हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों के लिए काफ़ी शानदार है और फ्यूचर में स्टॉक में हमें जबरदस्त तरीके से मुनाफा मिलने का पूरा हमें संभावना देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।